अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सोल्डरिंग आयरन यूज़ किए बिना आपको कटवर्क करना बताएंगे। अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें। ये देखें, मैंने सेम फ्लावर दो साइज़ के काट के रखे हैं। पेस्टिंग पेपर पर रख कर इस पैटर्न को हम काट लेंगे। आप चाहें तो अलग अलग भी काट सकती हैं, एक एक पीस करके। इसी तरह से हम छोटे वाले फ्लावर को भी काट लेंगे। ये देखें, हमारी सारी पैटर्न कट गई है। अब इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे आयरन की हेल्प से। हम इसको सेपरेट कर लेंगे। हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। और सब तरफ छोटे छोटे कट्स का निशान लगा देंगे। ये हमारे पास फेवी स्टिक है, हम इससे कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ये फोल्ड करने में थोड़ी सी परेशानी तो होती है, लेकिन आप इसे साथ में आयरन भी करेंगी तो ये आसानी से फोल्ड हो जाएगी। ये देखें, मैंने इसके ऊपर आयरन भी कर लिया है और ये कितने अच्छे से बैठ गई है। बाकी का सब इसी तरह से बना लेंगे। ये हमारे सारे पैटर्न्स बनकर रेडी है। अब इसको कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। हम इसे चिपकाते हुए ये ध्यान रखेंगे कि आपस में ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे पास इस तरह के धागे हैं जिससे क्रोशिया बुनी जाती है। और इसके स्क्रू को थोड़ा लूज कर लेंगे। धागे आसानी से बाहर को आ रहे हैं। कपड़े की उल्टी साइड हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें, फ्लावर उल्टी साइड से नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर मार्क कर लेंगे ताकि आसानी हो हमारी सिलाई लगाने में। पहले हम इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से सभी के ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखें, सभी के ऊपर हमारी सिलाई लग चुकी है और इसके बीच में भी इस तरह से डिज़ाइन बना लिया है। अब हम कटर की हेल्प से इसकी कटवर्क करेंगे। हमें बहुत ध्यान से इसकी कटिंग करनी है। इसी तरह हम दोनों साइड की भी इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, स्लीव की पैटर्न हमारी रेडी हो गई है। अब इसके एजेस वगैरह को क्लीन कर लेंगे मॉर्टिन की मदद से।
मैंने कटर और मोर्टिन की हेल्प से कटवर्क करना बताया है। आपने देखा कहीं भी मैंने सोल्डरिंग आयरन यूज़ नहीं किया है। पहले मैं इस तरह से स्लीव को डबल फोल्ड कर लेंगे, फिर इसके ऊपर इस तरह से पैटर्न रखकर इसको अटैच कर देंगे और बिल्कुल इस डिज़ाइन से इसके किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। मैंने स्लीव के साथ इसको अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर स्टोन लगा लेंगे। ये हमारे पास इस तरह की स्टोन है, आप चाहें तो इसे सिंपल भी रख सकती हैं या फिर बीच में एक एक पीस भी चिपका सकती हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। हम इसी तरह से सभी के ऊपर चिपका लेंगे। ये देखें, हमारी स्लीव बिल्कुल रेडी हो गई है। ये कितनी प्यारी लग रही है। आप इसे जंपर के दामन में, स्लीव के ऊपर कहीं भी बना सकती हैं। तो उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।